साल 2003 में हुए एक रिसर्च के दौरान पता चला कि कैंसस दुनिया की सबसे फ्लैट जगह है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लिए तो फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल शेप की है, नहीं तो समुद्र में घूमने वाले यात्री धरती से नीचे गिर जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर धरती स्फेरिकल शेप की ना होकर फ्लैट डिस्क के शेप की होती तो क्या होता और हमारी डेली लाइफ पर इसका क्या फर्क पड़ता, यह जानने के लिए आज के इस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कनक तिवारी, आप देख रहे हैं सेलेस्टियल स्पेस। तो शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। अगर धरती फ्लैट होती तो इसके सेंटर में रहना काफी हद तक नॉर्मल की तरह ही लगता, क्योंकि सेंटर पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक स्फेरिकल प्लेनेट की तरह नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही हम धरती के सेंटर से दूर किनारे की ओर आगे बढ़ते तो हमें एकदम पहाड़ में चढ़ने के जैसा फील होता, क्योंकि उस समय ग्रेविटी का डायरेक्शन इस तरह होता। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्फेरिकल हो या फिर फ्लैट, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर ही लगता है। जैसा किसी सीढ़ी से बाल फेंक देने के बाद वो नीचे तब तक गिरता रहता है जबकि वो कोई प्लेन सरफेस में नहीं आ जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि सारे पेड़ पौधे और बिल्डिंग्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही ग्रो करते हैं? तो अगर धरती फ्लैट होती तो सेंटर से दूर जाने पर हमें हमारे आसपास की खड़ी बिल्डिंग्स को भी इंक्लाइंडेड एंगल में बनाना पड़ता, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते ये इंक्लिनेशन भी बढ़ती जाती। और ये सेम चीज़ें पेड़ों के साथ भी होती, क्योंकि वो भी ग्रेविटी के अपोजिट ही ग्रो करते हैं। अगर इस इंक्लिनेशन को एक लाइन में बोला जाए तो अर्थ के फ्लैट होने पर सेंटर से एज की तरफ जाने से ग्रेविटी का डायरेक्शन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट होने लगता। 21st सेंचुरी के इस टाइम में आज भी कई लोग यह मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है, और उसके साथ उनकी फ्लैट अर्थ सोसाइटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी है। और धरती के फ्लैट होने पर उन लोगों का ये भी कहना है कि धरती एक फ्लैट डिस्क की तरह है जिसके सेंटर में नॉर्थ पोल है और उसकी एज अंटार्कटिका की बर्फ से ढकी हुई है जो कि समुद्र के पानी को धरती से नीचे गिरने से रोक रही है। तो ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग ये मानने लगे कि धरती गोल नहीं बल्कि फ्लैट है? इसे समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। आज से करीब 2500 साल पहले लोग समुद्र में ज़्यादा दूर जाने से डरते थे, क्योंकि अगर धरती फ्लैट है तो हम धरती से नीचे गिर जाएंगे और कभी वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसके बाद ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल का जन्म हुआ और उनके मन में फ्लैट अर्थ को लेकर कई सारे सवाल आए, जैसे दूर से आते जहाजों का सबसे पहले ऊपर का ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है और पूरा का पूरा जहाज क्यों नहीं दिखाई देता है? या फिर समुद्र का पानी धरती से नीचे अंतरिक्ष में क्यों नहीं गिर जाता? ये सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए एरिस्टोटल ने नॉर्थ स्टार का एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि आप नॉर्थ स्टार को नॉर्थ पोल से देखते हैं तो वो हमें एकदम सर के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर जाते हैं तो वही नॉर्थ स्टार हॉरिजॉन्टल मतलब हमारी आंखों के सामने वाले रीजन में दिखाई देता है। और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब धरती स्फेरिकल शेप की हो। उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन था लूनार इक्लिप्स। उसके मुताबिक उन्होंने ऑब्जर्व किया था क्योंकि हर बार चांद पर धरती का शेडो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में पड़ता है, ना कि फ्लैट डिस्क का। एक और फेमस ग्रीक मैथमेशियन इरेटोसिंस ने धरती के गोल होने को लेकर एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर लिया था। उनको पता चला था कि 21 जून को इजिप्ट का एक बहुत बड़े शहर पर दोपहर को सूरज एकदम सर के ऊपर होता था और वहाँ किसी भी प्रकार का शेडो नहीं बनता था। वहीं उसी समय अलेक्जेंड्रिया में सूरज की वजह से शेडो दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब सूरज एक ही समय पर अलग अलग एंगुलर पोजिशन पर था। तो तब इरेटोसिंस ने अलेक्जेंड्रिया में लकड़ी को जमीन के अंदर गाड़ दिया और उस लकड़ी की परछाई के एंगल को मेजर करने लगे और उन दोनों शहर की आपसी डिस्टेंस के साथ शेडो के एंगल को कैलकुलेट करके इरेटोसिंस ने धरती के कर्वेचर को लेकर सक्सेस पा लिया था। लेकिन 18 सेंचुरी में सैमुअल रोबोथोम साइंटिस्ट ने धरती को फ्लैट होने को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। तो सैमुअल रोबोथोम ने धरती को फ्लैट प्रूव करने के लिए एक नदी को चुना जिसका नाम था बेडफोर्ड रिवर। तो सैमुअल बेडफोर्ड रिवर के किनारे खड़े होकर अपने दोस्त को उसी नदी में बोट से कुछ मील दूर ट्रेवल करने को कहा। और जब सैमुअल का दोस्त नाव में बैठ उनसे दूर जा रहा था
तब सैमुअल उस नाव को टेलीस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व कर रहे थे और उनका कहना था कि वो अपने दोस्त की नाव को 6 माइल दूर से भी देख पा रहे थे। लेकिन अगर धरती गोल होता तो धरती के कर्वेचर के चलते सैमुअल को उनका दोस्त लगभग उनके व्यू पॉइंट से 13 फीट नीचे दिखाई देना चाहिए था। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद रोबो थोम ने इसके ऊपर एक किताब पब्लिश कर दी थी जिसका नाम था अर्थ नॉट अ ग्लोब। इस एक्सपेरिमेंट के बाद शायद आपके मन में भी एक सवाल आ सकता है कि अगर धरती गोल है तो उस बोट को तो गायब हो जाना चाहिए था। लेकिन बाद में यह पता चला था कि सैमुअल रोबो थोम ने जो दोस्त को इतनी दूर तक नोटिस किया था दरअसल वो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से भी हो सकता था, जिसका अच्छा एग्जांपल है सनराइज या सनसेट। कहने का मतलब एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर लेवल के डिफरेंस डेंसिटी की वजह से हम सूरज के सनराइज को थोड़ा पहले और सनसेट को थोड़ा बाद तक देख सकते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट में भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो। तो सैमुअल रोबो थोम और उनके द्वारा पब्लिश की गई हुई बुक अर्थ नॉट अ ग्लोब की वजह से फ्लैट अर्थ सोसाइटी और भी मजबूत हो गई। तो जब फ्लैट अर्थ सोसाइटी से ग्रेविटी के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ असल में होती ही नहीं है। हमारी धरती 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। इसी वजह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वह ग्रेविटी के वजह से वापस नहीं आती बल्कि धरती 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रही है। और उनके मुताबिक चांद और सूरज लाखों मील दूर नहीं बल्कि सिर्फ 4,800 किलोमीटर ऊपर ही मौजूद हैं, जो किसी बल्ब की तरह प्लेट अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं, जिससे धरती पर दिन और रात होता है और सूरज 24 घंटों में पूरा अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इसी प्लेट अर्थ सिचुएशन में इरेटोथिन्स की गई एक्सपेरिमेंट का जस्टिफाई किया जा सकता है। उनसे नासा के दिए गए फोटोग्राफ के बारे में पूछा गया तब उन लोगों का कहना था कि ये सारे वीडियोज और फोटोग्राफ्स नकली हैं और नासा हमसे असलियत छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर धरती के फ्लैट होने के लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट के एविडेंस भले ही कुछ लोगों ने दिखा पाए लेकिन हमारे पास धरती के स्फेरिकल होने को लेकर हजारों से भी ज़्यादा एविडेंस हैं, जैसे कि वर्जोना नैरो ब्रिज जिसे धरती के कर्वेचर का ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस ब्रिज का 2 टावर आपसी डिस्टेंस 1300 मीटर के करीब है जो कि एकदम परफेक्ट वर्टिकल पोजीशन पे बनाया गया है। लेकिन इन दोनों टावर के बीच की आपसी डिस्टेंस को अगर हम नीचे वाली डिस्टेंस से कंपेयर करें तो यह 41 मिलीमीटर ज़्यादा है, जो कि धरती के कर्वेचर या स्फीयर होने की वजह से हुआ है। इसके अलावा और भी कई एविडेंस जैसे वीदर साइकिल या फिर नासा के वीडियोज फुटेज और भी प्लैनेट्स की रियल इमेजेस या फिर एरिस्टोल और इरेटोथिन्स की एक्सपेरिमेंट, ये सब इस बात का सबूत है कि हमारी अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि स्फीयर है। लेकिन इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी न्यू साइंस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।